यहाँ पे हाई अलर्ट पे है एरिया, यहाँ पे ये है हमारा टेंट यहाँ पर गुंजी KMVN, और हम यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में अभी ओम पर्वत के लिए। अभी बज रहे हैं 6। तो इस यात्रा के दौरान बहुत ही कम स्पेस है लोगों के ठहरने के लिए, चाहे आप गुंजी में रुकिए या कुटी रुकिए या किसी भी जगह पर रुकते हैं, तो एक भीड़ से बढ़ जाती है। और बाथरूम के लिए, पानी के लिए, गर्म पानी लिया पहले? पहले गर्म पानी तो भर लो। और इतनी मारामारी हो जाती है बाथरूम को लेके, टॉयलेट को लेके, लंच को लेके, डिनर को लेके, ब्रेकफास्ट। तो ये है अंदर से हमारा ऐसा कुछ जो बाहर से दिखाया था कैंप, वो कुछ अंदर से इस तरीके का है। था कोजी था बंद होने के बाद, यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी और कंफर्टेबली सोए। चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी यहाँ पे, 4-5 बेड पड़े हुए हैं, 6 बेड पड़े हुए हैं। बट अगेन, जो कि हम 3 लोग आ गए थे तो ये पूरा जो कूपन था वो हम लोगों को मिल गया, 1500 रुपये पर हेड KMVN का जो रेट था उसके हिसाब से यहाँ पे हम रुक रहे थे। फाइनली रेडी, चले, बचा तो नहीं होगा, चलो। ठंडा है यहाँ पे, पाला जैसा पड़ रहा है, काफी ओस भी है। लस एकदम ठंडे। सुधा जी रेडी हो गए? जय बजरंगबली। पानी की बोतल एक जो है ले ले, पहले एक पानी की बोतल ले लीजिए। ये भी एक आर्मी का बेस है। हमारा चेक पोस्ट पे एंट्री हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो, हो गई एंट्री, बल्ले बल्ले, चलो। तो मोदी जी जो है वो आने वाले हैं, काफी हाई अलर्ट पे है एरिया, सिक्योरिटी काफी टाइट है। और हम इस वक्त बढ़ रहे हैं ओम पर्वत के लिए। ओम पर्वत जो कि एक प्राकृतिक चमत्कार जैसा है कि अपने आप में, पहाड़ के ऊपर ओम लिखा हुआ। तो अभी तो ठंड मस्त हो गई है, अगर आप यहाँ मार्च अप्रैल में आते हैं तो अच्छा ही मौसम होगा। और जो ये नदी नाले हैं वो अपने उफान पे होंगे। और अगर सितंबर अक्टूबर में आते हैं तो आपको ठंडक मिलेगी, और नवंबर तक में तो ये सब बंद ही हो जाता है। रोड और नो रोड, दिस इज नो रोड। अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है रोड के मामले में, जब हम नाभीडांग की तरफ जाते हैं, क्योंकि आदि कैलाश के लिए तो रोड बनना शुरू हो चुकी है, अभी इस पे काम होना बाकी है। मैं सोच रहा हूँ जितना कब जूता भीगे उतना अच्छा है, क्योंकि जूते भीग तो सूख तो रहे नहीं है और उसकी वजह से ठंडक और लग रही है। ये 18 किलोमीटर बिल्कुल जोमसों वाले होने वाले हैं, बहुत बढ़िया।
चलते रहते थे रास्ते पे, मिलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे कैमरा स्टार्ट करना और कैमरा ऑफ करना दोनों ही थोड़ा सा है। काली माता का मंदिर गुंजी से 9 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित प्राचीन काली मंदिर वैदिक काल के समय से संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके प्रस्थान करे। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली के लिए समर्पित है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेदव्यास ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, जो कि मंदिर से विपरीत दिशा के पवित्र पर्वत पर देखी जा सकती है, में तपस्या की, जिसके दौरान काली माता ने ऋषि के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनसे माता का नाम पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा, जो अंततः इस क्षेत्र में हरियाली और उपजाऊपन में समृद्धि लाएगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास और मानव जीवन में खुशहाली आएगी। तथ्य के अनुसार काली नदी के उद्गम काली माता के चरणों के स्पर्श करते हुए आरंभ होता है, जो इससे बेहद पवित्र बनाती है। स्थानीय लोगों के लिए यह एक पूजनीय पवित्र स्थान है और स्थानीय लोग इस मंदिर को पूज्य काली नदी के स्रोत के रूप में देखते हुए यहाँ अपने दिवंगत प्रियजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं और अपने स्मरण के प्रतीक के रूप में स्मृति पटल की स्थापना भी करते हैं। यह है काली माता का मंदिर यहाँ पर। और वेद व्यास जी की गुफा अपोजिट उसमें है, ये अपोजिट वाले पहाड़ पे, वो वहाँ ऊपर बनी हुई है, यहीं पे ऊपर भी है। बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पर, दरख्ते हैं पहाड़ों में, यहीं बैठकर वेद व्यास जी ने तपस्या करी। भगवान इस क्षेत्र को हरियाली और उपजाऊपन से समृद्ध करे और सबका मंगल हो। आगे बढ़ते हैं। तो ओम पर्वत और आदि कैलाश जो है, और क्योंकि वो ऐसे ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, नेपाल और तिब्बत इसके नज़दीक, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले भी आते हैं, जैन धर्म को मानने वाले भी आते हैं और हिंदू धर्म को भी मानने वाले आते हैं। तो सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर मिल जाते हैं आकर के ओम पर्वत और आदि कैलाश में। अभी हमारे जस्ट पीछे है नाग पर्वत, तो नाग पर्वत का जो अच्छा व्यू है वो आगे से मिलेगा, तो हम लोग बस उसी व्यू के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। और एक बार नाग पर्वत, वाह, तो चलते चलते आए और ये हमें पहले दर्शन हुए ओम पर्वत के, बहुत ही सुंदर। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलते आगे थोड़ा सा नाभी डांग तक, फिर वहाँ बैठ के आराम से दर्शन किए जाएंगे। तो ये जो चेक पोस्ट है, यही लास्ट पॉइंट है सिविल्स के लिए, और इसके आगे अगर आप जा सकते हैं तो बस वो जो ऊपर एक मंदिर है वहाँ पे, वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ से और नज़दीक से थोड़ा दर्शन हो सकता है। तो ये था हमारा ओम पर्वत का सफ़र, बहुत ही शानदार। और ये जो पहला जब नज़र इस पर पड़ी है ना, ओम पर्वत पर ओम लिखा हुआ, देख के इतना अच्छा लगा है। ये साफ दर्शन हो रहे हैं नाग पर्वत के, ये है नाग पर्वत। तो ये भी काफी हाइट पर है, पर आदि कैलाश जितनी हाइट पर नहीं है ये। और ये ओम हर महादेव। तो नाभी डांग में आप आकर के थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, रुकने की भी व्यवस्था हो सकती है यहाँ पे, हमारे यहाँ रहने खाने की व्यवस्था है।
हर महादेव, हर हर महादेव। इसी पॉइंट तक हम आ सकते हैं, उसके बाद आप ये देख सकते हैं तारे लगी हुई हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से ओम पर्वत का। उसी शानदार नज़ारे के साथ वापस की ओर उतरते हुए अब बहुत ही खूबसूरत ये यात्रा रही आदि कैलाश और ओम पर्वत की।